हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमी मलिक। आप सब कैसे हैं? आप सब भी ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी और आलू की सब्जी। क्या करें गाइस, कुछ ना कुछ बनाना होता है और समझ में कुछ भी नहीं आता है। ये मैंने क्या नाम है, थोड़ा सा तेल घेर लिया है, एक चमचे के बराबर घेर लिया है, ज़्यादा नहीं घेरूँगी। और ये मेरे आधा किलो से ज़्यादा आलू हैं जिसको मैंने उबाल के रख लिया था पहले ही। ये मेरे सभी मसाले हैं जिसको मैं अभी घेरूंगी। और लहसुन प्याज मैंने पीस ली है, एक मैंने प्याज ले ली थी और थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया था। इसमें मैं एक चम्मच और ये दो चम्मच लाल मिर्च घेरी है, एक चम्मच धनिया पाउडर घेरा है, धनिया मेरे यहाँ कम खाया जाता है, और चुटकी भर हल्दी घेरी है, नमक स्वाद अनुसार है। चलिए, इतने मेरा तेल होता है, इतने मैं आलू छील लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा तेल हो चुका है, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा घेर दिया है। सभी मसाले मैंने आपको अभी दिखा दिए थे जो मुझे घेरने थे, और ये मेरा मसाला मैं आराम से घेर लूँगी। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से मैंने मसाले घेर लिए हैं और अब मैं भून रही हूँ। गाइस मुझे मुझे मसाला घेरते हुए टाइम पर बहुत डर लगता है, पहले नहीं लगता था, अब लगने लगा है। ये देखिए, बल्कि मेरी छेटे भी आ गई हैं। क्या आपको भी लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, मैं इतने मसाला भूनती हूँ और इतने फिर आलू मेरे छील लिए मैंने। आइए, थोड़ा सा एक चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया है, इसको कूट लूँगी। क्या आप भी आलू की सब्जी में कूटा हुआ धनिया घेरते हैं? मैं घेरती हूँ, इससे बहुत अच्छी यम्मी यम्मी रेसिपी बनती है। आप एक दफ़ा मेरी तरह ट्राई करिए, आपको पसंद आएगी। चलिए जी, इतना हम इसको जल्दी से कूट लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा भून रहा है और धनिया भी हमने कूट लिया है। अब इसको चला लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं घेरती हूँ शुरू से ही, जब भी मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ। भंडारे या वैसी सब्जी तो नहीं कहूँगी क्योंकि अब मैं थोड़ा कम मसाले खाती हूँ इस वजह से, लेकिन आपको भी रेसिपी देनी ज़रूरी होती है, सब में बनाना होता है कुछ ना कुछ। चलिए, इतने मेरे मसाले हो रहे हैं, इतने मैं इनको छोटा छोटा कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आलू की सब्जी बना रही हैं पूड़ी के साथ तो अभी टमाटर नहीं गिरे हैं। टमाटर मेरा ज़रा छोटा बेटा लेने गया है, रात ख़त्म हो गए थे क्योंकि रात मैंने पनीर बनाया था, तो इस वजह से अब बेटा लाएगा तो उसमें बारीक करके घेर देंगे, वो मैश वैसे भी हो जाते हैं। चलिए, आलू हो गए, अब आलू घेरते हैं। ये देखिएगा, मैंने आलू घेर दिए हैं, एक गिलास इसमें पानी घेर दिया है, जिसमें मैंने आलू मैश करे थे उसी में मैंने पानी कर दिया था, मुझे अंदाज़ा था। आप अपने अंदाजे से इसमें घेर रहे हैं। अब सब्जी को चला लेते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि 12 बज चुके हैं और बेटे होगा भी खाने का टाइम हो जाएगा। ये देखिए, अभी तो बगैर टमाटर के ही कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी लग रही है, वो तो आप बनाओगे तो जानोगे कि हाँ वाकई में ही अच्छी लग रही थी। चलिए, अब हम इसे ज़्यादा देर तो नहीं पकाएंगे, 10 से 15 मिनट पकाएंगे, इतने बेटा भी टमाटर लेकर आ जाएगा, टमाटर घेर देंगे इसमें फिर। ये देखिएगा, मैंने दो टमाटर काट लिए हैं, वो भी मैंने इसमें घेर दिए हैं, और धनिया मैंने कटिंग कर कर। ये देखिएगा, मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें अब मैं हरा धनिया घेर दूँगी। ये देखिएगा, थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी ले ली, इसको भी धो लूँगी मैं। धोने के बाद अब घेरूँगी आलू की सब्जी में। चलिए, हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, यम्मी यम्मी सी। ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी लग रही है, माशाल्लाह से खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इसमें। ये देखिए गाइस, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
ये देख, और आटा गूंदने के लिए हमने गिर लिया है, रिफाइन तेल है, नमक मैंने गिर लिया है। मैं गूंद, ये देख लेगा, मैंने पूड़ियों का आटा गूंद लिया है। अब मैं कुछ पूड़ियाँ पहले बना लेती हूँ गरम तेल करने से। ये देख लेगा, मैं भूल में पूड़ी खाना मैंने गिर ली थी जीरी पूड़ियाँ, और अब मैं सेक रही हूँ। अचान हो गई, ये देख लेगा, मैंने करारी करारी पूड़ियाँ सेक कर रखी हैं, और कुछ में ये रह गई हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, मैं शमी मलिक, आप सब कैसे हैं? आप सब बैठी हूँ अलहमदिल्ला, मैं बैठी हूँ। ये मैंने एक चमचा तेल कर लिया है, और दो किलो मेरी तोरी थी, क्योंकि तोरी थोड़ी कम हो जाती है इस वजह से। ये मेरा जीरा है, मैंने जीरा गेर दिया है। गर्मी चल रही है कुछ, बस बना बना के हम परेशान हो गए। बच्चे हर चीज़ के लिए मना करने लगे हैं कि अम्मी ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, और माँ परेशान होती हैं कि बच्चों को क्या दें, और बनाना भी ज़रूरी होता है। चलिए, जो करना है वो तो करना ही है। ये मेरा आधे चम्मच धनिया है, और एक चम्मच लाल मिर्च है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, रिहान हल्की आवाज कर, और ये मेरा नमक है। नमक कम रहेगा तो मैं बाद में भी गेर सकती हूँ। चलिएगा, जीरा हमारा हो चुका है। ये मेरे लहसुन प्याज है जिसको मैंने पीस लिया था, वो इसमें गेर दूंगी और आराम से मसाला गेर दूंगी। देखिएगा जी, मेरी आलू की सब्जी और पूड़ी आपको कैसी लग रही है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।